Hey guys, I'm Sammy and welcome to my Zilla. मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है. सो आज मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ. दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप बाई स्टेप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स. आई नो जब भी हम लोग मेकअप के बारे में सोचते हैं तो वी वुड लव टू हैव अ स्मोकी आई. तो मैंने आज काफ़ी टाइम बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्मोकी आईज क्रिएट किया और मैं ये पूरे वीडियो के दौरान आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाने वाली हूँ. एंड ये वीडियो का स्पेशलिटी ये है कि आजकल के ज़माने में देर आर लॉट ऑफ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स दैट हैज कम अप. यू नो फ्रॉम द पास्ट ईयर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए हैं. तो आज मैं वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ जो आज के जनरेशन यूज़ करना चाहते हैं टू मेक इट वेरी वेरी ईजी एंड सिंपल फॉर ऑल द मेकअप लवर्स आउट देयर. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. एंड बिफोर दैट क्विकली डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई यूजर आई डी सैमी जिला. एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन और मेरे बाकी के सारे वीडियोज़ ज़रूर चेक कीजिए. थैंक यू. So quickly moving on to this makeover. So दोस्तों मैं एकदम पूरा कोशिश करने वाली हूँ कि जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ वो easily available हो जाए कोई भी ऑनलाइन या ड्रग स्टोर में. एंड द एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आप एक बार वीडियो देखेंगे एंड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्लॉलेसली ब्यूटिफुल मेकअप कर सकते हैं. इट्स रियली ईजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. ओके okay? तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका जो स्किन है उसको आपको प्रेप करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट आजकल वी हैव कम विथ मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर. सो अगर आप चाहें तो आप दोनों चीज़ें खरीद सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बाई अ प्राइमर नाउ, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ मॉइस्चराइजर, यू कैन डू दैट इज़ वेल. बट एक ही चीज़ कोशिश कीजिएगा कि जब आप मॉइस्चराइजर ले रहे हैं मेक श्योर दैट कि वो आपका स्किन को अच्छे से सॉफ्ट एंड हाइड्रेट करे. सो फॉर योर फॉर द वीडियो फॉर द टाइम बींग मैं ये जो कलर बार का लोशन है मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ अ कलर बार स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन. ये बहुत अच्छे से मेरा स्किन को मॉइस्चराइज करता है. सो थोड़ा सा लेंगे फेस में. मुझे स्पेशली ये मॉइस्चराइजर और ये लोशन इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मेरा फेस में मेरा स्किन बहुत हाइड्रेटेड लग रहा है. एंड साथ ही साथ यू कैन सी अ ग्लो एंड थोड़ा थोड़ा स्पार्कल्स आपको दिख रहा होगा. सो दिस लोशन हैज़ गॉट इरिडिसेंट पिंक स्पार्कल्स जिसके वजह से एक गुलाबी गुलाबी वाला फीलिंग आ जाती है फेस में. ओके okay, तो उसको लगाने के बाद थोड़ा हम लोग इसको सेटल होने देंगे. तो अब ये सेटल हो चुका है स्किन पे. माय स्किन ऑलरेडी फील्स सॉफ्ट एंड ग्लोई. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में. आजकल प्राइमर सब यूज़ करते हैं. तो अगर आपके पास प्राइमर है, अगर आप प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी पसंदीदा ब्रांड के प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास अभी है नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर. मुझे ये प्राइमर इसलिए पसंद है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूद है और जितना भी मेरा यहाँ पे पोर्स है मेरे नोज से लेकर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्पोर्स है तो ये बहुत अच्छे से उस पोर को हाइड करता है. सो आई लाइक यूजिंग द नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर. तो थोड़ा सा लेंगे. नाउ दोस्तों लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ओनली कि आजकल बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए हैं जब मेकअप की बात होती है. सो मैं पर्सनली और एक चीज़ यूज़ करती हूँ प्राइमर के बाद, वो है आई लिड प्राइमर. अब आई लिड प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मेरा आई लिड है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वहाँ से ऑयल सिक्रीट होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो मेरे आई शेडो होते हैं या जो मैं फाउंडेशन लगाती हूँ वो थोड़ा देर बाद ना वहाँ पे क्रीजेस आ जाते हैं. सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आई लिड में प्राइमर लगाती हूँ. अगर आपका भी यहाँ पे ऑयली आई लिड है और आप चाहते हैं कि वो ड्राई रहे और जो आप आई शेडो या आई मेकअप कर रहे हैं वो इंटैक्ट रहे तो यू कैन ऑल्सो यूज़ अ आई प्राइमर. सो मेरे पास फिलहाल आई हैव गॉट मैक का आई प्राइमर बट अभी जो मैं मेकअप कर रही हूँ आई एम नॉट यूजिंग इट. बट इट जस्ट इन जनरल फॉर नॉलेज आई एम लेटिंग यू नो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो यूज़ अ आई प्राइमर इफ़ यू वॉन्ट टू और एल्स दिस प्राइमर वुड ऑल्सो डू द जॉब. सो एज बिकॉज इट्स अ बिगनर्स वन एंड नॉट एवरीबडी वुड ऑल्सो हैव अ आई प्राइमर. सो मैं आप लोगों की तरह इसी को अपने आई लिड्स में लगाऊंगी बट बहुत ही कम अमाउंट लेके, नॉट टू मच. So that's it. So moving on to the next step, that is applying foundation. So आज मैं यूज़ कर रही हूँ L'Oreal Paris 24 Hour Foundation Infallible Pro Matte.
आई लव दिस फाउंडेशन बिकॉज इसका जो कवरेज है बहुत ही बढ़िया है फॉर माई स्किन. द शेड इज नेचुरल बफ एंड इट्स अ डेमी मैट, सो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं लगेगा एंड ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ वेरी ग्लोई लुक. सो आप भी अपने पसंद के कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. बट या वन मोर थिंग इज़ दैट जब भी आप फाउंडेशन चूज़ करें, मेक श्योर कि आप फाउंडेशन को हमेशा अपने फेस पे लगाएं. लाइक यू कैन अप्लाई इट ऑन दिस पोर्शन यहाँ पे, एंड जो भी शेड आपके स्किन के साथ बिल्कुल ब्लेंड हो जा रहा है एंड लगता है कि एकदम कोई फाउंडेशन नहीं है, दैट इज़ द राइट फाउंडेशन फॉर योर स्किन. बहुत सारे लोग होते हैं जो हाथ में अप्लाई करते हैं, लाइक रिस्ट में अप्लाई करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस बिकॉज इसका जो स्किन कलर है और जो फेस का स्किन कलर बिल्कुल अलग होता है. सो उसके वजह से इट कैन हैपन कि आप गलत फाउंडेशन खरीदें. सो ऑलवेज अप्लाई ऑन द फेस. फाउंडेशन लेंगे हाथ में एंड दोस्तों अगर आप पहली बार फाउंडेशन लगा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ना लें. टेक अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑफ फाउंडेशन एंड आपके फेस के साथ आपका जितना भी नेक एरिया जो कपड़े के ऊपर से विजिबल है वो वाला पोर्शन को भी आपको मेकअप से कवर करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम लोग जनरली सिर्फ फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं एंड गले में या जो बाकी का स्किन शो हो रहा है वहाँ पे नहीं लगाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि दोनों अलग अलग स्किन दिखने लगता है एंड दैट इज़ नॉट गुड. विल टेक अ स्पंज. ठीक है, अब ये स्पंज को मैं थोड़ा सा पानी से स्प्रे करके इसको थोड़ा सा डैम्प कर लेंगे. मेक श्योर कि अगर आप स्पंज यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको डैम्प करके यूज़ करें. एंड एज अ बिगनर आई थिंक स्पंज इज़ गोइंग टू बी ईजी बिकॉज ये बहुत अच्छे से आपका मेकअप को, आपका फाउंडेशन को ब्लेंड करता है. सो आई थिंक दैट विल बी गुड. सो अब ये डैपिंग मोशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग द फाउंडेशन एंड द स्किन. एंड यू नो जब भी मेकअप का बात होता है दोस्तों, यू शुड ऑलवेज टेक योर टाइम. लाइक टेक योर टाइम, 3 घंटा से मेकअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज द मोर टाइम यू गिव द मोर ब्लेंडिंग, द मोर बेटर इट ब्लेंड्स एंड द मोर प्रिटी यू लुक. एंड हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स को वेट करने दीजिए, आई थिंक दे शुड वेट. वी शुड बिकम प्रिटी, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो जब भी आप डैप कर रहे हैं, मेक श्योर दैट आप अपने हेयर लाइन को भी यहाँ पे जो विजिबल है उसको, ऐसे हेयर को हटाएंगे हाथ से एंड वो पूरा स्किन को आप फाउंडेशन से कवर करेंगे. लाइक आई सेड दैट जब आप पहले चालू कर रहे हैं तो आप फाउंडेशन ज़्यादा मत लीजिए, आप थोड़ा करके लगाइए एंड फिर डैप करके उसको बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया वैसे ब्लेंड कीजिए. एंड देन इफ़ यू नीड कि हाँ कुछ कुछ जगह में आई वॉन्ट टू पुट मोर फाउंडेशन या जो कवरेज है वो उतना कम्प्लीट नहीं हुआ है, आपको और ज़्यादा कवरेज चाहिए, देन अगेन आप फाउंडेशन ले सकते हैं. सो मैं और थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी एंड एन अप्लाई ऑन माई cheeks and I like to cover the corners of my lips because मेरी तरह I'm sure बहुत सारे जन हैं जिनका ये वाला जो area है थोड़ा सा dark है. even this two areas on my face a little bit dark from the rest of the portion, so yeah I like to cover that place more and also cover on your lips because you know उसका भी एक अच्छा base बन जाता है for lipstick application. yeah finally it's done. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं एंड दैट इज़ अप्लाइंग कंसीलर. नाउ कंसीलर का काम यही है कि जो भी आपका फेस का इम्परफेक्शंस है उसको आप इससे कंसील करेंगे, इसे हाइड करेंगे. आई एम अगेन गोइंग टू यूज़ अ लॉरियल इनफैलिबल फुल वेयर कंसीलर. माय शेड इज़ आई थिंक 312, या हाँ 312 एम्बर. सो कंसीलर सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे आपका इनर आई कॉर्नर में एंड देन यहाँ पे जो एंड की तरफ है द एंड कॉर्नर ऑफ योर आईज, इधर भी सेम जगह अप्लाई करेंगे. अगेन द वेट डैम्प स्पंज और उसे ब्लेंड करेंगे.
सो नीचे की तरफ अप्लाई करते करते मैं ऊपर की तरफ यानी कि आईलिड्स में भी ये कंसीलर से डैप करूँगी ताकि आईलिड्स भी कवर हो जाए। मोशन आपको बिल्कुल सेम रखना है। एंड दोस्तों जब आप लोग डैप करेंगे ना, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाएं, बहुत हल्का हाथ में उसको डैप करना है। जल्दी से इस चीज़ को डैप करेंगे ताकि कंसीलर ड्राई नहीं हो जाए। इट हैज़ टू बी वेट सो दैट वो अच्छे से ब्लेंड हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इज़ जो आजकल कहा जाता है एज बेकिंग। सो बेकिंग के लिए तो बेसिकली लूज पाउडर यूज़ होता है, लेकिन यू नो नॉट एवरी डे आप बेक करना चाहेंगे। सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ अ कॉम्पैक्ट। आप अपने कोई भी पसंद का बैंड का कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ मैक स्टूडियो फिक्स, माई शेड इज़ NC30। सो फिर इसको ऐसे लेंगे आप एंड देन अपने आँखों के नीचे ऐसे डार्क करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आप कंसीलर लगाए हैं, जो आप फाउंडेशन लगाए हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट वैसे ही आपका बैठ जाएगा। एंड अगेन विल टेक इट एंड आईलिड्स के ऊपर भी ऐसे ही डार्क करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। सी इफ यू कैन सी द डिफरेंस हियर एंड हियर। यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये जगह मैट हो गया है एंड द एंटायर फाउंडेशन एंड कंसीलर बिल्कुल बैठ गया है आईलिड के ऊपर। एंड देन धीरे से रेस्ट ऑफ द फेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज मेकिंग आईब्रोज। अब आईब्रोज पहले तो हम लोग ऐसे पैलेट यूज़ करते थे जिसके अंदर पाउडर होता था, लेकिन नाउ डेज देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जैसे कि ये आईब्रो पेन एंड आईब्रो पोमेड जो बेसिकली क्रीम फॉर्म में होता है। यू नो यू अप्लाई इट एक ब्रश के साथ। सो आज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक पेन भी है एंड आईव गॉट अ पैलेट जहाँ पे मेरे पास क्रीम फॉर्म भी है एंड पाउडर फॉर्म भी है। सो आई कैन शो यू All this three together कि अगर आप जो भी आप खरीद रहे हैं either it's a cream or it's a powder or it's a pen the entire application is going to be easy for you. So ये है Rimmel का brow this way product and ये है मेरे पास Nykaa का brow girl brow definer bewitch chestnut. So एक eyebrow मैं pen से करूँगी और दूसरा cream और powder के साथ। चलो let's start it. So quickly starting with this पेन, एक तरफ आपका ऐसे ब्रश है तो इससे मैं अपने आईब्रोज को शेप करूंगी। सबसे पहले आप ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे शेप करेंगे अपने आईब्रोज को एंड देन आप पेन वाला जो पोर्शन है, पेन वाला साइड, उसे आप ड्रॉ करेंगे एकदम हल्के हाथों में। दोस्तों करना है टू नॉट टू मच ऑफ प्रेशर। अगर ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो फिर वो कलर आ जाएगा एंड तब थोड़ा सा मैसी लग सकता है। तो एकदम हल्के हाथों में जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग पोर्शन है वहाँ पे आप बिल्कुल जैसे आपका हेयर लाइन ऊपर की तरफ गया है, आप वैसे ही उसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ ऐसे हल्के हाथों में ड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही इसको ब्रश कर लेंगे एट द एंड ताकि थोड़ा सा और नेचुरल लगे। या अब नेक्स्ट साइड में चलेंगे बट प्रोडक्ट्स कुछ और यूज़ करने वाले हैं। सो कमिंग ऑन टू दिस वन, सो अगर आप आईब्रो किट यूज़ कर रहे हैं देन यू नीड अ ब्रश लाइक दिस। डुअल एंड है, इधर है एंगुलर एप्लीकेशन के लिए एंड दिस इज अगेन उसको शेप करने के लिए। सो इफ यू आर यूजिंग द क्रीम, अगर आप कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं देन आप इसी एंगुलर साइड से इस तरह से थोड़ा सा क्रीम को लेंगे, जस्ट लाइन से आपको अपना आईब्रोज को शेप करना है।
अब ये बहुत ही एक नेचुरल लुक दे रहा है, बट अगेन अगर मैं इस तरह से कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा सा डार्क है एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट लाइट. सो इन केस मैं अगर यहाँ पे सेम प्रोडक्ट यूज़ करती तो ये भी एग्जैक्टली सेम लगता, बट आई कैन ऑल्सो अचीव द सेम थिंग यूजिंग टू प्रोडक्ट्स. नाउ सबसे पहले मैंने क्रीम यूज़ करके आपको दिखाया कि आप कैसे एप्लीकेशन करोगे, एंड नाउ मैं इसी सेम पैलेट का जो दूसरा पाउडर वाला फॉर्म है इसको अप्लाई करूँगी. So both my eyebrows are done. So here I have done both my eyebrows with two different product. So इस तरफ का obviously थोड़ा सा dark लग रहा है because the shade here is Bewitch Chestnut and ये थोड़ा सा dark shade है. And यहाँ पर जो shade मैंने use किया है the powder and cream form is a little bit lighter. So इसको equal करने के लिए for this video मैं इससे फिर से इसको fill in करने वाली हूँ. सो इन केस दोस्तों एज अ बिगनर यू नो कभी कभी जब आप आईब्रोज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका आईब्रो का लाइन है उससे कहीं ना कहीं कलर्स निकल गया है. तो अगर इन केस यू हैविंग दैट प्रॉब्लम जहाँ कहीं भी हो, जस्ट टेक योर कॉम्पैक्ट पाउडर एंड द स्पंज एंड आप उस जिस जगह को एकदम क्लीन आउट कर सकते हैं, लेकिन आराम से ताकि आपका आईब्रो तक ये पाउडर ना पहुँच जाए. सो जस्ट टू शो यू नो आई जस्ट डू इट लाइक दिस लाइक क्लीन द स्पेस. अगर आपके ऊपर की तरफ हो रहा है तो एकदम हल्के हाथों से आराम से आप इसको ऐसे डस्ट आउट करके क्लीन करेंगे लाइक दिस. बट एवरी टाइम मेक श्योर दैट इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्मूथ, नॉट टू मच प्रेशर. ओके सो आईब्रोज इज ऑल्सो डन एंड नाउ मूविंग ऑन टू द आई मेकअप. सो आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी का वार्म ऑब्सेशन पैलेट. आपके पसंद के कोई भी आपका फेवरेट आई पैलेट यूज कर सकते हैं. सो एज आई ब्रशेज आज मैं पैक यूज करने वाली हूँ. अगर आप चाहें तो आप सेम पैक ब्रांड के ब्रशेज खरीद सकते हैं बिकॉज द ब्रांड इज रियली गुड और इसके ब्रशेज से एप्लीकेशन बहुत बढ़िया एंड स्मूथ होता है. सबसे पहले यू गोइंग टू टेक दिस काइंड ऑफ अ फ्लफी ब्रश. जो आई का एंडिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो आपका आई क्रीज है, यहाँ पे आप सबसे पहले कलर अप्लाई करेंगे. और ब्रश आपको ये यूज़ करना चाहिए एंड जो भी आप कलर लगा रहे हैं उसको इस तरफ से अंदर की तरफ आपको वर्कआउट करना है. एंड कलर कौन सा लेना चाहिए, गो फॉर अ लाइटर टोन. जैसे यहाँ पे मैं वार्म शेड यूज़ कर रही हूँ सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ वेरी लाइट टोन, ये वाला टोन. तो थोड़ा सा ये वाला कलर ले रहे हैं, बिल्कुल हल्का कलर. सो ऐसे धीरे से आप लगाएंगे इस तरफ से एंड सर्कुलर मोशन में इसको अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे. नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन आपने देख लिया, नाउ यू वॉन्ट टू बिल्ड इन द कलर. आप इसी शेड को थोड़ा सा और डार्क करना चाह रहे हैं. सो नाउ गो फॉर द सेकेंड एप्लीकेशन, टेक अ लिटिल बिट मोर एंड सेम तरीके से आप करेंगे एंड जो भी एक्स्ट्रा चीज होगा आप इसको डस्ट आउट कर लेना. और इट्स आई लाइक डूइंग दिस. अब एक थोड़ा सा फ्लैट अप ब्रश लेना है, लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस. सो वील गो फॉर अ कलर जो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और डार्क है, जस्ट इसके बगल में जो है ये वाला. ये भी ब्राउन शेड है लेकिन थोड़ा सा डार्क है. लाइक इन दिस पोर्शन, जैसे आप आँख खोल रहे हैं तो ये जो पूरा आपका लाइन हो रहा है ये पूरा आईलेट को इस कलर से कवर करेंगे. सो लाइक यू कैन सी देयर आई हैव फिल्ड इन माई आईलिड्स विद अ डार्कर ब्राउन शेड एंड दिस लुक्स सो नाइस. यू नो इफ यू लुक क्लोजली यहाँ पे और यहाँ पे जो ये लाइन है इस जगह को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है. एक क्लीन ब्रश लेंगे जिसमें कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया हुआ है. यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज हाफ वे सो दैट यू कैन सी दैट द ब्लेंडिंग इज हैपनिंग रियली नाइस एंड स्मूथ. मूविंग ऑन टू द अदर आई, इस तरफ भी आप इसी तरह से नीचे का कलर से ऊपर का कलर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे. तो अब आपका जो ये ब्राउ बोन है यहाँ पे आपको हाइलाइटर लगाना है. सो
सो मैं ये वाला कलर लूँगी। इसी तरह एक फ्लैट ब्रश लेंगे। अब मेरे अंडर आइज के लिए ये वाला डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे। आउटर कॉर्नर से अप्लाई करना चालू करूँगी एंड देन धीरे धीरे इसको अंदर की तरफ वर्कआउट करूँगी, लेकिन पूरा यहाँ तक नहीं लेके जाना है। तो अगर दिन का टाइम में आपको आईलाइनर लगाना है तो आप डायरेक्टली ऊपर की तरफ आईलाइनर लगा सकते हैं, बट अगर आप मेरी तरह है, यू डोंट लाइक अप्लाइंग टू मच ऑफ आईलाइनर, देन आप यही सेम ब्राउन शेड से जो आप नीचे की तरफ लगाए हैं, जो मैंने अभी नीचे की तरफ लगाया, इसी सेम चीज़ को मैं ऊपर की तरफ वर्कआउट करूँगी ताकि ये जो मेरा लैश लाइन है वो थोड़ा सा डार्क लगे एंड देन आई डोंट हैव टू पुट आई लाइनर एंड दैट वुड डू द जॉब। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, कि जो भी मेरा यहाँ पे एक्सेस पाउडर है उस चीज़ को मैं डस्ट आउट करूँगी। सो टेक फ्लफी ब्रश लाइक दिस, जो पाउडर ब्रश है या फाउंडेशन ब्रश है, जो भी आपके पास यू नो ऑलरेडी है वही यूज़ करेंगे एंड विद दिस हल्का सा डस्ट आउट करेंगे। सो आई गो फॉर अ वेरी लाइट मस्कारा ताकि जो मैं नेक्स्ट आई शेडो अप्लाई करूँगी उस चीज़ वो मेरे लिए ईजी हो, नॉट रियली डिफिकल्ट। सो दिस इज़ योर डे मेकअप लुक। अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा और यू नो ग्लैम और ड्रामेटिक करना चाहते हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप अपने पसंद का कोई भी फेवरेट शेड ऑफ ग्लिटर ले सकते हैं। ओके, सो ये गोल्डन को मैं थोड़ा सा हाथ में लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट लुक इट्स गोना बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो ये थोड़ा सा लेके आप यहाँ पे बस हल्का सा डैब कीजिए, जस्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ डैबिंग। नाउ सी द डिफरेंस, दिस इज अ कंप्लीट मैट वन एंड इधर में थोड़ा शिमर के साथ, दिस गिव्स यू अ वेडिंग लुक। सो आई थिंक दिस इज नाइस, प्रीटी मच गुड फॉर अ डे मेकअप। नाउ इसी मेकअप को हम लोग कैसे इवनिंग में टर्न आउट करेंगे, सो द बेस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्मोकी आई। नाउ इस चीज़ को आपको थोड़ा सा डार्क कलर से बिल्ड इन करना पड़ेगा, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू यूजिंग द सेम आई पैलेट हियर। सो आई एम गोइंग फॉर दिस ब्रश, थोड़ा सा फ्लफी है बट इट इज़ रियली फ्लैट एज वेल। तो आप स्मोकी आईज करने के लिए ये डार्कर शेड लेंगे जो नीचे की तरफ लगाए थे और इस तरह आउटर कॉर्नर में डैप करना चालू करेंगे, अप्लाई करना चालू करेंगे, ठीक इसी तरह इस तरफ भी अप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी ब्लेंडिंग द आई शैडो। एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे एंड देन इस पोर्शन को आप धीरे से ऐसे हल्के हाथों में इसको ब्लेंड करेंगे। Now see the difference in this eye and this eye. So exactly जो process मैंने इस eye में किया है, the same process will be happening on the other eye. इसी same eye में. So now I'm going to apply a black one because mostly everybody wants to go for a black or a dark blue smoky eye. So I'll go for the black one. Flat brush लेने वाली हूँ जिससे मैं dark brown apply की थी, वो same brush लेने वाली हूँ। थोड़ा सा इसको clean कर लेना है this black. ब्लैक को लेके ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पे नहीं जाना है बिकॉज़ वहाँ पे आपको स्लोली लेटर ऑन ब्लेंडिंग ब्रश से डार्क ब्राउन को और ब्लैक को ब्लेंड करना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम ब्लैक का इफ़ेक्ट होना चाहिए या जो डार्कनेस होना चाहिए वो आपका आई लिड में होना चाहिए। सेम प्रोसेस में इस आई में भी आप ब्लैक अप्लाई करेंगे। अगेन आई टेक दिस सेम फ्लफी ब्रश एंड वेरी स्मूथली आपको ब्लेंड करना है। सो यू हैव टू डू इट वेरी वेरी सॉफ्टली विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, आई शेडो ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए
व्हेन यू ब्लेंडिंग आई शेडो यू शुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड डू इट, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जितना आप हड़बड़ी करोगे ब्लेंडिंग उतना डिफिकल्ट होगा. सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू वॉन्ट टू प्ले विद डार्क कलर्स एंड यू वॉन्ट टू डू द ब्लेंडिंग लाइक रियली स्मूथ एंड फ्लॉलेस. ये वाला जो डार्क ब्राउन के साथ ब्लैक को बेल्ट ब्लेंड करने के बाद, ये जो सेम ब्राउन शेड हमने लिया था, यही वाला ब्राउन शेड हम लोग फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको और अच्छे से ब्लेंड आउट करने के लिए. नाउ अगेन वी गोइंग टू गो बैक टू द ब्लैक कलर एंड फिल दिस पार्ट एंड मेक इट मोर ब्लैक. सो आप इसको अप्लाई करने के बाद फाइनल ब्लेंडिंग करेंगे, नो मोर ऑफ कलर्स, जस्ट लाइक अ क्लीन ब्रश टू ब्लेंड इट. एंड दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम. सब नीचे का पोर्शन में जाएंगे, ब्लैक नहीं यूज करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज ब्लैक, जस्ट गो फॉर दिस डार्क ब्राउन शेड. ये छोटा सा जो ब्रश था, फ्लैट ब्रश, वन यूज दैट. सो लिटिल बिट ऑफ द डार्क ब्राउन शेड. इसके बाद सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज ब्लैक पाउडर, आई एम गोइंग टू यूज अ ब्लैक काजल. सो फॉर काजल आई रियली लाइक यूजिंग Lakme एब्सोल्यूट अल्टीमेट खोल. सो जैसे नॉर्मली हम लोग काजल अप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अप्लाई करेंगे. सो इस तरह मैंने अपने जो वाटर लाइन है उसको काजल से कवर किया है. नाउ अंडर द आई ऑल्सो इन द लैश लाइन, अंडर आई के बाद ऊपर का जो लैश लाइन है अंदर की तरफ, उसको भी ब्लैक काजल से मैंने भर दिया है. आई लिटरली फ्रीक आउट व्हेन इट कम्स टू ब्लेंडिंग एंड यू नो अगर वो सही से नहीं हो रहा है ना, मैं एकदम इट्स लाइक मेरे को अभी एकदम प्रॉपर ब्लेंडिंग चाहिए चाहे जितना टाइम लगे. आई कैन मेक माई हस्बैंड वेट लाइक फॉर वॉट, 4 hours, 5 hours, आई डोंट केयर. ओके सो नाउ अब अंडर द आई इट्स लुकिंग लाइक रियली मेसी, बहुत ज़्यादा डस्ट है. सो नाउ बहुत ही आराम से विल टेक अगेन द पाउडर ब्रश एंड टेक अ लॉट ऑफ पाउडर, या कम नहीं ज़्यादा करके लेंगे ताकि कलर अच्छे से निकल जाए, एकदम हल्का सा, सी जस्ट लाइक दिस. So now that your eyes is done, now you're going to move on to the next part. That is contouring. Now for contouring, aap cream contour bhi use kar sakte hai, but the best thing is that if you can get a bronzer, which also does the work of contouring. So here, main sugar ka contour D mini bronzer use kar rahi hu on the shade topper. So ye ek halka sa brown shade hai, jisse main apna face ko contour karungi. फॉर कंटोरिंग आपको आपका जो चीक बोन है बस चीक बोन के एरिया में करना है, लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ. ये पूरा ब्लश ऑन की तरह पूरा चीक्स में लगाना नहीं होता है, सिर्फ इस पोर्शन के लिए है ताकि आपका फेस थोड़ा सा और चिसल्ड लगे, लाइक यू नो लाइक इंस्टाग्राम. एकदम बिल्कुल हल्का कलर लेकर ऐसे ही इसको राउंड मोशन में वर्क करना है. देख रहे हैं कि धीरे धीरे कलर बिल्डअप हो चुका है, ज़्यादा लेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा भर जाएगा, वो नहीं चाहिए. सो नाउ इफ यू लुक, ये थोड़ा सा इनवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा शेप में लग रहा है रादर देन दिस पार्ट. ओके एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू योर टेम्पल्स, यानी कि फोरहेड एंड आई के इस साइड को जिसे टेम्पल्स कहा जाता है. इस तरह आप अपने टेम्पल्स को भी करेंगे एंड देन एट द एंड आप इसको इस थ्री शेप में प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे. सो नोज को शार्प करेंगे एंड इसके लिए मैं फिर से यही वाला सेम कलर यूज करूंगी, बट फॉर दैट आई वुड लाइक टू गो एंड यूज माई फिंगर्स. नीचे की तरफ से आपको ऊपर की तरफ लेना है, ओनली देन योर नोज लुक्स लाइक स्लिमर.
कॉम्पैक्ट लेंगे थोड़ा सा एंड जस्ट इसको डैप करके ब्लेंड इन करेंगे. नाउ टेक द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ब्लेंड इट इन जस्ट लाइक दिस ऑन द साइड्स. मूविंग ऑन टू द पोशन. सो यहाँ पे मैं ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ कलर बार का स्वीट स्कारलेट. सो आई टेक अ ब्लश ऑन ब्रश एंड यू गोइंग टू स्माइल लाइक दिस एंड जस्ट डैब इट ऑन योर एप्पल्स. अब नेक्स्ट होगा हाइलाइटर. सो मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ. इट्स अ क्लीन ब्रश. मैंने हाल ही में ये सेट खरीदा है हुडा ब्यूटी से, हुडा ब्यूटी का फ्रॉम नायका. सो जितना भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक्स मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. सो अगर आप चाहें तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय. एंड दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल इज़न्ट इट. मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि मेरा यहाँ जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा अभी भी ब्लैक डस्ट है, तो उसको क्लीन करेंगे. दिस इज़ क्वाइट नेचुरल, ये आपके साथ भी हो सकता है. क्लीन ब्रश लीजिए, कॉम्पैक्ट लीजिए, ऐसे पाउडर से इनर कॉर्नर को यहाँ से आप क्लीन कीजिए जस्ट लाइक दिस. एंड नाउ लिपस्टिक एंड द कलर इज़ दिस. मैंने इसको बहुत यूज़ किया, यू कैन सी आई यूज इट अ लॉट. दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स, अ वेरी सटल कलर. And you know, while applying, I just realized कि last time जब मैंने ये color को use किया था, I actually mixed it with another pink shade. So I actually got that pink and a brown shade here. So basically, I like mixing, you know, lip colors. Take a fan brush for applying highlighter. I'm going again for the same highlighter जो मैंने अपने eyes के यहाँ पर लगाया था. यहाँ पे हल्का से very little on my chin and rest on my temples. Finally, time to open my hair. Of course, you want this makeup, this look to be intact, ताकि ये melt down नहीं हो. And for that, what you need is a fixer. So मेरे पास Smashbox का setting spray है. I really like using this one. So ज़्यादा पास से नहीं, बिल्कुल दूर से. थोड़ा सा ये बैठेगा, बट आई एम सो लविंग द मेकअप हियर. इट्स ग्लोइंग, इट्स शाइनिंग. आई लव द हाइलाइटर, आई लव द स्मोकी आई. इट्स सो सटल एंड इट्स लाइक सुपर ग्लैम. आज काफ़ी टाइम बाद, आई शुड से दैट काफ़ी सालों बाद, सिर्फ आप लोगों के वजह से मैंने यू नो, फिर से मेरे को मौका मिला कि मैं ये स्मोकी आइज क्रिएट करूं. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज सच अ एक्साइटिंग थिंग एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई थिंक आई हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब. लेकिन आई वुड वांट टू नो कि आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा. सो डू कमेंट मी ऑन द बॉक्स एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू गाइज वॉन्ट मोर ऑफ ट्यूटोरियल्स लाइक दिस. एनी काइंड ऑफ लुक दैट यू वॉन्ट मी टू क्रिएट, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू. एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और मेरे जो बाकी के वीडियोज़ हैं वो जाके देखें एंड डू कमेंट योर व्यूज़. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर सो मच ऑफ लव सो फार. एंड ऑल्सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड द यूज़र आईडी इज़ एब्सोल्युटली सिंपल, इट्स सामी ज़िला. तो वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कीजिए. एंड टिल देन, लाइक आई से दैट एवरीबॉडी बी हैप्पी, कीप ग्लोइंग, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड and just be absolutely amazing as you guys are. So very soon I'll see you guys in my next video. And jo bhi maine products dikhaye hain, quickly again mentioning ki sare links description mein, if you want to buy just go and grab them, they're really amazing. So thank you so much, bye bye, see you guys in the next video.